हाय, वो क्या पांच कारण हैं जिसकी वजह से इंटरकोर्स या सेक्स पेनफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंटरकोर्स के एक्ट में वजाइना में पेनिट्रेशन होता है पीनिस का, तो वजाइना से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं और पीनिस से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो पेन का कारण बनते हैं। सबसे पहला जो इंटरकोर्स होता है उसके अंदर मोस्टली फीमेल्स को पेन अनुभव होता है बिकॉज एक प्लास्टिक मेम्ब्रेन वजाइनल ओपनिंग को कवर करके रहती है, पार्शली ओपन होती है जिसको हाइमन कहते हैं। तो वो जब स्ट्रेच आउट होती है तो फर्स्ट एक्ट ऑफ इंटरकोर्स एंड इन फैक्ट फर्स्ट फ्यू एक्ट्स ऑफ इंटरकोर्स आर यूजुअली पेनफुल, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर इसके बाद हेंस फॉर जब एक बार कोइटल एक्टिविटी रेगुलर हो जाती है तो वो क्या कारण हो सकते हैं पेन के, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो वजाइनल ड्राइनेस। बहुत बार क्या होता है कि फीमेल्स में जो सिक्रीशंस होती हैं वजाइना की, वो मिडल ऑफ द साइकिल यानी जब ओवुलेशन हो रहा होता है, एग रिलीज हो रहा होता है, तभी मैक्सिमम होती है। बाकी फेजेस ऑफ द साइकिल पोस्ट पीरियड्स या फिर पीरियड्स आने से पहले वाली स्थिति में डिस्चार्ज जो है वो कम होता है, वजाइनल लुब्रिकेशन की कमी होती है, या फिर फीमेल का सेक्सुअल अराउजल लेवल अगर लो हो उस टाइम पे तो भी सिक्रीशंस ढंग से नहीं रिलीज होती है। ऐसे में वजाइनल ड्राइनेस की वजह से इंटरकोर्स का एक्ट पेनफुल हो सकता है। इसका इलाज होता है कि इंटरकोर्स के टाइम लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाएँ, कमर्शली भी अवेलेबल होते हैं, पर जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें कमर्शियली अवेलेबल लुब्रिकेंट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, उसमें स्पर्मिसिडल होता है, वो स्पर्म को इंट्रैक्ट कर लेता है। सेकेंड रीज़न होता है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन वजाइना से रिलेटेड भी हो सकता है, पीनिस से रिलेटेड भी हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरियल या फंगल दोनों ही हो सकते हैं और इसकी वजह से इंटरकोर्स कैन बी पेनफुल, देर कैन बी बर्निंग, देर कैन बी इचिंग सेंसेशन आफ्टर इंटरकोर्स। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं इंटरकोर्स के बाद तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल पार्टनर भी अपने आप को इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करवाएं, एग्जामिन कराएं, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो दोनों को सेम टाइम पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि एक बार ट्रीट होने के बाद ट्रांसमिशन जो है वो दोबारा ना हो सके। तीसरा, अगर सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से सो वजाइनल मसल्स, वजाइनल जो इलास्टिसिटी है वो इतनी नहीं मेंटेन हो पाती है, इसकी वजह से भी द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स इज यूजुअली पेनफुल। चौथी बात करते हैं कुछ कंडीशंस की जिसके अंदर, जैसे कि वजाइनस्मस, जिसमें एक फीमेल को डर होता है इंटरकोर्स में पेन होने का, तो उस टाइम पे पेन नहीं हो रहा होता, बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हैविंग पेन वो वजाइना के आसपास की मसल्स जो हैं वो टाइटन हो जाती हैं। और सिर्फ वजाइना के आसपास के मसल्स नहीं बल्कि थाई मसल्स भी कभी कभी वो टाइटन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल होता है। अगर ऐसे में अगर जब वो टाइटन कर रहे हैं ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन किया जाए तो एक्ट ऑफ इंटरकोर्स जो है वो ज़्यादा पेनफुल होगा एंड फ्यूचर में वो हो सकता है इंटरकोर्स को और ज़्यादा रिजिस्ट करें। वजाइनिस्मस एक कंडीशन ऐसी है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, कम लोग बात करते हैं, बट इसका इलाज भी सिंपल होता है। अगर आपको लग रहा है कि इंटरकोर्स के पेन की वजह से आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर पेनिट्रेशन में ही शुरुआती में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और हमारी एक वीडियो है वजाइनिस्मस पे, उसे देखें ताकि आप इस कंडीशन को समझ पाएं। देन लास्ट होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसमें गर्भाशय की अंदर वाली परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये अगर बॉडी में और किसी पार्ट में ग्रो करती है तो जब जब पीरियड के जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि मिड साइकिल में ये बनती है, वो हर बॉडी पार्ट में बनती है, और जब शेड होने की बारी आती है तो ये वाली तो बाहर वजाइना से शेड आउट हो जाती है पीरियड के माध्यम से, बट बाकी सारी जो है वो शेड आउट नहीं हो सकती और वहीं पे वो डिपॉजिट बनाती है। सो ये जो ब्लड डिपॉजिट्स होते हैं, जो अंदर ब्लीडिंग होती है, इसमें बाद में पेन होता है। सो ये जो कॉमनली स्पॉट्स होते हैं डिपॉजिट के, ये वजाइना के इस वाले एरिया में होते हैं जो सर्विक्स के पीछे वाला है। इसमें खास तौर पे इंटरकोर्स जो है वो डीपर पेनिट्रेशन पे ही पेनफुल होता है। शुरुआती में इस एरिया में पेनिट्रेशन में इंटरकोर्स में पेन नहीं होता, बट वंस द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स इज हैपनिंग तो बिकॉज यहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं, डीपर पेनिट्रेशन पे पेन होता है। अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी कारण आपको लग रहा है कि पेनफुल इंटरकोर्स का की वजह बन सकता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, एग्जामिन कराएं और इसका इलाज लें। अगर और कोई डाउट्स हो आपके इंटरकोर्स से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।